वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट के 10 नए अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी आप बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से ग्रो आगे कर सकते हो। और हाँ, इसके अलावा ये अपडेट जो हैं वो पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में हुए हैं और अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो आपको ये सारे अपडेट जानने ज़रूरी हैं ताकि गलतियाँ ना हो। इसके अलावा सेल सीज़न आ रहा है अभी, तो सेल सीज़न में ऑब्वियसली सेल 2 times 3 times ग्रो हो जाती है, तो इस वजह से आपको अभी से उसकी प्लान करनी भी ज़रूरी है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी कि आपको किस तरीके से सेल सीज़न की स्पेशली BBD की तैयारी करनी है, राइट। तो अभी आपकी BBD तैयारी शुरू हुई है नहीं हुई है वो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप चाहते हो मेरी टीम आपकी हेल्प करे इसमें तो नंबर मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए, मैंने ये बायर एक सेलर पोर्टल ओपन कर लिया है, वन बाय वन हम चेक करते हैं क्या क्या अपडेट आए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। 10 अपडेट की मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले शिपिंग चार्जेस में 1 रुपया बढ़ा दिया है फ्लिपकार्ट ने, सारे वर्टिकल में ये अलाउ रहेगा, 1 रुपया बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली उसमें कोई ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 रुपया बढ़ा है फॉरवर्ड शिपिंग में, तो उसमें वो आपको बस पता होना ज़रूरी है कि 1 रुपया बढ़ गया है, राइट। तो इसका आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा अपडेट आया है न्यू लॉगिन डैशबोर्ड को लेके, राइट। तो अभी अगर आप फ्लिपकार्ट पे नए हैं या फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, तो सेलर फ्लिपकार्ट, अगर आप सेल ऑन फ्लिपकार्ट अगर जाओगे तो यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट, ये आई गेस बहुत सारे सेलर ने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना इसको एक बार। बिकम अ सेलर पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखिए, ये तो मैं लॉगिन कर रखा है इस वजह से डायरेक्टली लॉगिन आ रहा है। बाकी देखो उसमें कुछ नया नहीं है, तो जो लॉगिन पेज है वो चेंज हो गया है, उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चेंज हो गया, मतलब काफ़ी डिटेल में हो गया है। अभी पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, फिर लॉगिन लॉगआउट बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पर जस्ट अभी समझ लो वो नया चेंज हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या नई चीज़ आई है, वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बस जो है वो थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। चलिए तीसरी की बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे आते हैं और कोई भी प्रमोशन अगर आप ऑप्ट इन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो भी एलिजिबल लिस्टिंग है आपकी वो यहीं पर शो हो जाती है, साथ साथ में उसका सेटलमेंट कितना मिलेगा फाइनल वगैरह, ये सब कितना मिलेगा ये सब यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिटेल में, तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। जो भी वीडियो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, जस्ट प्लेलिस्ट में जाना है चैनल के, और फ्लिपकार्ट हेल्प वाली प्लेलिस्ट में जाना है, व्यूफुल प्लेलिस्ट अगर आप करोगे यहाँ पे तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। रिसेंट वीडियोस भी यहाँ पे आपको, और बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पर, 144 वीडियोस हैं, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा वो वाली वीडियो, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन वाला आपको देखना ज़रूरी है इसमें। चलिए दूसरा वाला, मैं दूसरा अपडेट पे आते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोशन वाला हम हटा देते हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपका लिस्टिंग क्वालिटी को लेके। तो लिस्टिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा अभी नया अपडेट आया है जिसमें कि लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आप चेक कर लो लिस्टिंग क्वालिटी, तो गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, कैसी आपकी लिस्टिंग क्वालिटी चल रही है, इस पर बात करी गई है यहाँ पर। और कुछ न्यू सेल, कुछ न्यू आपकी लिस्टिंग्स है जिसमें वो अपडेट गलत हो रखा है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए, बाकी इनको आप चेक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप जाके चेक कर लेना लिस्टिंग क्वालिटी को लेके। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, फ्लिपकार्ट में जो 1 रुपये शिपिंग चार्ज बढ़ा है, शॉपसी में बहुत सारे सेलर पूछ रहे, तो शॉपसी में 2 रुपये बढ़ा है, राइट, और वो इससे भी पहले बढ़ गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग चेक कर लेना। इसके अलावा जो 1 time password है वो अभी जैसे पिकअप होता है आपका, तो बहुत सारे सेलर का तो वैसे पहले से आता था, बट ये अब फ्लिपकार्ट ने नया अपडेट दिया है एज ए न्यू अपडेट कि सबको अब आएगा, तो पिकअप के टाइम पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप शेयर करोगे तभी जाके आपका पिकअप होगा, ये एक अपडेट है, ये ऑलरेडी आई गेस सबको पता है। उसके बाद बेंचमार्क प्राइस में चेंजेस हुए हैं, जो अपना यूजुअल प्राइस था उसका नाम अब बेंचमार्क प्राइस हो गया है, और थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसमें, वैसे तो सेम ही है यूजुअल प्राइस, बेंचमार्क प्राइस सेम है, बस मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने बोला है कि हम आपका जो प्राइस है वो डिसाइड करेंगे, बाकी ये यूजुअल प्राइस ही है। प्रमोशन वगैरह सारे इस पे आएंगे, इस पे मैंने लॉन्ग वीडियो तो कोई नहीं बनाई थी, आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैंने इस पे एक शॉर्ट बना के और एक रील बना के इंस्टा पे डाली थी, और शॉर्ट यूट्यूब पे भी डाला था, आपने देखा नहीं देखा वो मुझे बता देना, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लो, तो वहाँ पे ये शॉर्ट टॉपिक्स में मैं वहीं पे क्लियर
कर देता हूँ। नेक्स्ट रिवॉर्ड्स का प्रोग्राम आया है फ्लिपकार्ट का, ये आपने देख ही लिया होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके फ़ायदे नुकसान समझने ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगा आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो इसमें। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये मैंने सारा रिवॉर्ड्स वाला वीडियो में बताया था, वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट धमाका सिलेक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे को लगा, तो ये धमाका सिलेक्शन पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। इसमें आप मतलब कौन कौन से आपकी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट है जिनको आप कर सकते हो, जिनको आप सेल कर सकते हो, राइट। उसके अलावा जस्ट सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बेस्ट सेलर कौन से हैं आपकी कैटेगरी में, सोल्ड आउट हैं जो प्रोडक्ट उनको आप बेच सकते हैं, आउटसाइड फ्लिपकार्ट कौन से पॉपुलर हैं, तो ये डैशबोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये एक अपडेट की वीडियो है, ऑब्वियसली मैं अगर इन टॉपिक को सारे को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो घंटा पूरा लग जाएगा इसमें एक। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने कोई वैसी डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट इसमें आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ग्रोथ सेंट्रल, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट और फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान्स, इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च करे हैं जिनसे आपको जैसे कुछ इनसाइट्स दिया जाएगा, ये देंगे वो देंगे, इसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस इनसाइट है, बिजनेस एक्सपर्ट है, ऐड एक्सपर्ट है। मैं इन सबको ना बोलता हूँ, कोई भी पेड सर्विस फ्लिपकार्ट के एंड से आप मत लीजिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस देखा है, राइट। तो आप या तो खुद ट्रेंड होके करिए, और या तो ऐसी एजेंसी चूज़ करिए, मैं नहीं बोलूँगा कि हमारी कंपनी से आप अपना अकाउंट हैंडल करवाओ या फिर कोई भी हमारी सर्विस लो। मैं बोलता हूँ आप चेक करो, जहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ से आप करो, बट फ्लिपकार्ट के एंड से ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं डायरेक्टली इस चीज़ को मना करता हूँ, राइट। तो ये एक न्यू अपडेट आया है, यहाँ पे कुछ इनसाइट्स एंड डेटा वगैरह इन्होंने नया दिया है, इसके बिहाफ पे ये हो सकता है आपसे पैसे लें, तो उस चीज़ को मैं ना ही बोलूँगा, राइट। उसके बाद रेट कार्ड को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, ये सेकेंड लास्ट अपडेट है। सिंप्लीफाइड रेट कार्ड हो गया है, जैसे पहले क्या होता था, पोस्ट पेड अगर आपकी पेमेंट आती थी तो उस पर अलग कुछ चार्ज लगते थे और प्रीपेड पे कुछ चार्ज लगते थे। आपने देखा भी होगा रेट कार्ड में, प्रीपेड पे इतना, पोस्ट पेड पे इतना काटेगा फ्लिपकार्ट, लेकिन अब चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्ट पेड हो, दोनों में मैं आपको वो अपडेट ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर मैं डालता हूँ रेट कार्ड, रेट आप अपनी मेल पर चेक कर सकते हो, जो भी आपका ऑफिशियल मेल है, रेट कार्ड, हाँ ये वाला अपडेट आप देखिए, ये फ्लिपकार्ट रेट का, आप ये हेडलाइन डाल देना आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस, ये करंट रेट कार्ड ये है और ये न्यू रेट कार्ड ये वाला है। अब ये रेट कार्ड अप्लाई होने वाला है, 1 जुलाई से ही अप्लाई हो गया था। तो पहले क्या होता था, अगर 750 से नीचे है तो COD में इतना और प्रीपेड में इतना, अगर 750 से ऊपर है तो COD में इतना, प्रीपेड में इतना चार्ज लगता था आपकी सेलिंग प्राइस पे। बट अभी जो है वो दोनों में, देखिए आप यहाँ पर दोनों में COD हो चाहे प्रीपेड हो, दोनों में ये सेम कर दिया है। पहले COD में अलग लगता था और प्रीपेड में अलग लगता था, तो ये चेंजेस हो गए हैं। जैसे 750 से नीचे होगा प्रोडक्ट तो दोनों में आपका 12 रुपये लगेगा, पहले क्या होता था 15 रुपये लगता था, तो थोड़ा कम हो गया है, 3 रुपये कम हो गया है। बट प्रीपेड में 2% लगता था, अब 2% अगर आपका बहुत महंगा प्रोडक्ट हो तो 2% बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका, बट यहाँ पर सिर्फ 12 ही अब लग रहा है। तो ऑब्वियसली सेलर के फायदे की ये चीज़ है, और बाकी 750 से ऊपर तो पहले भी 2-2% था, अब भी 2-2% हो गया है, तो ये वाली अपडेट भी आपकी काम की है, इससे आपका फ़ायदा ही है मेरे हिसाब से, राइट। बाकी अगर आपका कोई मतलब बहुत सस्ता प्रोडक्ट है तो तब हो सकता है ये नुकसान हो, जैसे अगर 150 रुपये का प्रोडक्ट है तो लगभग 3 रुपये आपके कटने चाहिए लेकिन 12 कटेंगे, अगर प्रीपेड वगैरह की बात होगी तो। अगर बहुत सस्ता प्रोडक्ट है 300 से नीचे तो थोड़ा इसमें मुझे नुकसान लग रहा है, अगर 500 से ऊपर, 1000 से ऊपर है तो वहाँ पे फ़ायदेमंद ही आप रहोगे, राइट। तो ये था 9 अपडेट्स हो गए, एक और अपडेट है फाइनल। उस अपडेट को बताने से पहले देखो, सब्सक्राइब बहुत कम सेलर करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताओ कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बहुत सारी और वीडियोस लाइक फेस्टिव सीजन पे कैसे प्लान करना है वो सब बहुत जल्दी आने वाली है, तो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे वीडियो, इसलिए कमेंट मतलब सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप
लिंक ज्वाइन मतलब लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट सिक्योरिटी बैग का एक अपडेट आ रखा है, जहाँ पर कि सिक्योरिटी बैग जो आप जो मतलब आपका पॉली बैग रहता है जिसमें आप पैकेजिंग करते हो, उसमें पहले क्या होता था, पाउच होता था बाहर से, उस पाउच में आप क्या डालते थे, इनवॉइस डालते थे या फिर लेबल डालते थे, वो पाउच वाला बैग अब यूज़ नहीं करना है। ये भी एक अपडेट था फ्लिपकार्ट के एंड से, बहुत पहले आया था, आई गेस आपने देखा हो या मिस कर दिया हो। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, पाउच सर्च करके अगर मैं दिखाऊंगा तो आई गेस ये मिल जाएगा मुझे। हाँ, ये वाली अपडेट है, देखिए ये वाला आप चेक कर लो, ये काफ़ी थोड़ा पहले आ गया था, बट यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट सिक्योरिटी बैग विद इनवॉइस पाउच विच कैन लीड टू फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज उससे हो सकते हैं, आपको भी पता है क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, जैसे स्कैनिंग के टाइम पे ब्रीचेज हो सकते हैं, स्कैन नहीं होगा ढंग से, लॉस ऑफ शिपमेंट आइडेंटिटी फट जाता है, लाइट मटेरियल है तो ईजिली फट जाता है, ये सब। तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन है कि प्लीज़ पेस्ट करने वाला सिस्टम करें, जैसे थर्मल वगैरह, राइट। बाकी इसको आपने नहीं करना है, ये होगा तो दिक्कत आपको हो सकती है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, आप सब्जेक्ट लाइन में देख सकते हैं। तो ये थे 10 अपडेट फ्लिपकार्ट को लेके, आई होप ये अपडेट्स आपको हेल्प करेंगे। कोई भी ऐसी अपडेट जिस पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हो या मैंने बना दिया आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा लिंक डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे सेलर लिंक मांगते हैं, बट मैं नहीं डाल सकता हर वीडियो का लिंक, आप खुद सर्च कर सकते हो बाई ऋषि, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए, यही थी आज की 10 अपडेट्स, होप वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।